सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आपके और आपके सपने के बीच में सिर्फ एकमात्र चीज है कोशिश करने की इच्छा और या विश्वास की या वास्तव में संभव है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगी, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। ठुकरा दिया जिन्होंने तुझे तेरा वक्त देखकर, कसम खा ली ऐसा वक्त लाएगा कि मिलना पड़ेगा उन्हें वक्त लेकर। आज का पंचांग 15 अक्टूबर 2022 दिन शनिवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि सुबह 7:03 तक रहेगी। मृगशीर्ष नामक नक्षत्र रात्रि 11:22 तक रहेगी। इसके उपरांत आद्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:19 से 10:46 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:49 से 12:35 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर सुबह 10:01 तक रहेगी। इसके उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे। कन्या राशि 15 अक्टूबर 2022 दिन शनिवार, यह आपके लिए अपने आप से किए हुए वादे और अपनी योजनाओं को अमल में लाने का बहुत अच्छा समय है। नई योजनाएं भी जल्द ही कामयाब होगी। हालांकि दोस्तों के साथ मजे करने और थोड़े मनोरंजन के लिए भी अच्छा समय है, इसलिए शाम को सामाजिक गतिविधियों में भी शामिल होने की योजना बना सकती हैं। अफवाहों से बचें और आनंद उठाएं। दूसरों के साथ रहना अभी आपको उत्साहित कर रहा है और आपको अपनी रचनात्मकता दिखाने का भी अवसर मिलेगा। कुछ समय किसी खास और रोमांस के लिए जरूर निकालें। अपने विचारों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। अच्छा, आपको थोड़ी असंतुष्टि के साथ साथ अप्रसन्नता भी महसूस हो सकती है। अच्छा, आपको सही फैसला लेने की जरूरत है। लोग आपके काम को लेकर सकारात्मक होंगे, बस आपको उन्हें अपनी ऊर्जा और मेहनत से प्रभावित करना है। विश्वास हो सकती है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। अपने दिन की शुरुआत कसरत से करें, यही वक्त है जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करने की शुरुआत कर सकते हैं। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें और नियमित रखने की कोशिश करें। आपकी मनोकामनाएं दुआओं के जरिए पूरी होगी और सौभाग्य आपकी तरफ आएगा और साथ ही पिछले दिन की मेहनत भी रंग लाएगी। आपका मजाकिया स्वभाव सामाजिक मेल जोल की जगहों पर आपकी लोकप्रियता में वृद्धि करेगा। आज आप अपने प्रिय को माफ करना ना भूलें। अगर आप अपने काम पर ध्यान एकाग्र करें तो आप अपनी उत्पादकता दुगनी कर सकते हैं। जो लोग घर से बाहर रहते हैं आज वो अपने सारे काम पूरे करके शाम के समय किसी पार्क या एकांत जगह पर समय बिताना पसंद करेंगे। बिजली कटौती या फिर किसी अन्य वजह से आपको सुबह तैयार होने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जीवन साथी की ओर से इसे निपटने में काफी मदद मिलेगी। ग्रह स्थिति आपके लिए कई शुभ अवसर बना रही है। विद्यार्थियों को किसी प्रतियोगिता संबंधित परीक्षा में उचित परिणाम हासिल होंगे। संबंधियों के साथ मेल मुलाकात भी होगी। कोई रुका हुआ आय या साधन पुनः शुरू होने से राहत मिलेगी। अपेक्षा के अनुसार बातों में धीरे धीरे बदलाव नजर आएगा। किसी भी बड़े बदलाव को अपनाने से पहले खुद को मानसिक रूप से तैयार करना जरूरी होगा। मन में उत्पन्न हो रहे क्रोध का कारण जानने की कोशिश करें। हर बार क्रोध पर नियंत्रण रखना मुख्य समस्या को और भी कठिन बना सकता है। अधिकतर काम सरलता से पूरे होंगे। रिलेशनशिप से संबंधित नकारात्मकता पार्टनर के द्वारा दूर करने की कोशिश की जाएगी। सिर दर्द की समस्या भी हो सकती है। सावधानियां, आलस और सुस्ती की वजह से कई कार्यों में विलंब हो सकता है। गलत शब्दों के प्रयोग से संबंधों पर असर पड़ सकता है।
इसलिए अपनी बोलचाल के लहजे में सुधार भी लाना जरूरी है। निवेश के मामलों में ज्यादा पैसा न लगाएं क्योंकि अतिरिक्त खर्चे भी रहेंगे। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच अच्छा तालमेल रहेगा क्योंकि घर परिवार आपकी प्राथमिकता रहेगी। आज के दिन अपने परिवार के साथ बिताएं। आप परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण काम भी पूरा कर सकते हैं। अपने बच्चों को खिलाने या उनके मनपसंद जगह पर पिकनिक के लिए ले जाएं। अपने माता पिता या बहन भाइयों के साथ भी समय बिता सकती हैं। शाम को रोमांस और अंतरंग मुलाकात के नाम कर दें। आप आज अपने पार्टनर की भावनाएं गहराई से टटोल सकती हैं। दादा या उनके जैसे किसी का बिछड़ना आपके लिए तनाव का कारण बनेगा। अपने साथी बच्चों या प्रियजनों के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता और कल्पना का प्रयोग करें और मोहब्बत के इस खेल में जीत हासिल करें। कुछ पाने की चाह और आत्मविश्वास से आप दुनिया को जीत सकते हैं। बस आपको अपने हुनर का सही इस्तेमाल करना है। आप दोनों एक दूसरे की दृढ़ संकल्प और बुद्धि का सम्मान करते हैं। आपकी योजनाएं आपके जीवन साथी को अभी पसंद नहीं आएगी किंतु जल्दी वो आप पर विश्वास करेगा। आज का मंत्र यही है कि आशावादी बने। बात करते हैं करियर की। आपकी रचनात्मकता आपको नए अवसर प्रदान करेगी जिससे आपको अपनी मंजिल जल्दी ही मिल सकती है। बेकार के विवाद या डिस्कनेक्शन विचलित करेगा लेकिन यह मुश्किलें आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। आप सकारात्मक महसूस कर सकते हैं किंतु याद रखें दुख भी जीवन का एक भाग है। स्वयं को सही दिशा की तरफ ले जाने की कोशिश करें। लोग अभी आपका महत्व नहीं समझ पाए हैं इसलिए आपको उन्हें अपनी ऊर्जा और विचारों से प्रभावित करना होगा। पॉजिटिव सोचे अच्छी संभावनाओं के बारे में जाने और उन्हें वास्तविकता में परिवर्तित करें। आज इस बात के जबरदस्त संकेत हैं कि आप अपने कार्य क्षेत्र का परिवर्तन कर सकते हैं। यह आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी दिशा का बदलाव हो सकता है। अभी तक आप जिस चीज को शौकिया तौर पर लेते थे वही चीज आपके लिए धन उपार्जन का रास्ता बन सकती है। यहाँ तक कि आप अपनी नौकरी भी इस काम के लिए छोड़ सकते हैं। हालांकि ये एक बहुत ही जोखिम काम लगे पर इसके परिणाम आगे जाकर काफी उत्साहित करने वाले हैं। इस चीज में समय लग सकता है पर धन की दृष्टि से ये काफी उत्साहजनक है। कार्य क्षेत्र पर उचित व्यवस्था बनी रहेगी। बाहरी स्रोतों से चल रही बातचीत का भी आज उत्तम परिणाम सामने आएगा। शुभ अवसर मिलने की भी संभावना है। नौकरी पेशा लोगों को अगर कोई बदलाव संबंधित अवसर मिले तो विलम्ब ना करें। बदलाव फायदेमंद रहेगा। बात करते हैं सेहत की। आपने अपने चेहरे के साथ साथ उन सब लोगों की सेहत की भी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली हुई है जो आपके ऊपर निर्भर हैं। इससे आपको कुल मिलाकर बहुत फायदा होगा और आपको इसके परिणाम पर गर्व होगा। आपका और आपके करीबियों जिनकी आपने जिम्मेदारी ली हुई है सबका फिटनेस लेवल बिल्कुल ठीक रहेगा। आपको बहुत सारे लोगों को प्रभावित करने का मौका भी मिल सकता है। आज का उपाय। आज अब गरीबों को काले कपड़ों का या कंबलों का दान करें शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।